हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा दास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक मेकअप रिमूवर वाइप का, एंड दिस इज़ फ्रॉम कारा सनस्क्रीन वाइप प्लम एंड एलोवेरा। और इसे आप समर्स में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। एक सनस्क्रीन वाइप है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, एंड प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन अगेन। एंड विटामिन ई है इसमें, 100% नेचुरल है। विस्कोस फाइबर है जो कि आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है। उसी के साथ बता दीजिए इसका प्राइस 85 रुपीज़ है। और इसमें बड़ी पैकेजिंग भी आती है, आप परचेज कर सकते हैं, चाहे तो 30 की वाइप्स इसकी परचेज कर सकते हैं। और इसका जो इसमें बेसिकली एलोवेरा है जो कि आपकी स्किन को टैनिंग से बचाता है। उसी के साथ इसमें प्लम भी है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन की रेज से। सो आप इसे एवरीडे में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे छोटा पैकेट तो पर्स में कैरी कर सकते हैं, एवरीडे के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं कहीं भी। सो चलिए इसका डेमो स्टार्ट करते हैं और मैं करूँगी अपना मेकअप रिमूव। और उससे पहले मैं अपनी एसेसरीज को हटा देती हूँ। सो मैंने कर दिया है एसेसरीज रिमूव और मैं अब हटा देती हूँ अपनी बिंदी भी। सो चलिए मेकअप रिमूव करते हैं और मैं यहाँ से लूँगी वाइप और इसे कट नहीं करना है कहीं से भी। यहाँ से इसमें दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कि ओपन एंड रीसील, तो आपको इसे पूरा भी नहीं हटाना होता है, आपको इसे ऐसे रिमूव करना होता है। इस तरह से आपको इसे हटाना होता है और यहाँ से हम निकालेंगे हमारी ज़रूरत के अनुसार एक सिंगल वाइप। एंड वैसे तो मेकअप रिमूवर में टू वाइप्स लग ही जाती हैं, बट मैं यहाँ अभी सिंगल वाइप ही निकाल रही हूँ। सो ये सिंगल वाइप मैंने निकाल दी है और मैं इसे यूज़ करूँगी मेकअप रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉरहेड का बेस मेकअप ही रिमूव करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, एकदम सैंडलवुड टाइप की इसकी खुशबू है, तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, ऑसम है। सो मैं कर देती हूँ मेकअप रिमूव। अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आईज़ मेकअप ही रिमूव कर देती हूँ आज, नहीं तो लास्ट में क्या होता है कि शीट सूख जाती है और आईज़ मेकअप हमेशा रह जाता है। सो चलिए आईज़ मेकअप ही रिमूव करते हैं सबसे पहले। इसे लिपस्टिक को अच्छे से मिटा दिया है, बट आई डोंट थिंक ये लिक्विड लिपस्टिक को इतना अच्छे से मिटाता होगा, क्योंकि मैंने इसे एक दो बार यूज़ किया था और इसने लिक्विड लिपस्टिक को ऐसे उतना अच्छे से नहीं मिटाया था। सो मैं अपने नेक के मेकअप को भी रिमूव कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे भी फाउंडेशन लगाया था इसलिए। सो चलिए कान ईयर्स को भी क्लीन कर देते हैं। सो ये मेरा मेकअप हो चुका है रिमूव और अभी भी आईलाइनर इतना अच्छे से नहीं रिमूव हुआ है, जबकि मैंने जो आईलाइनर लगाया है ना वो वाटरप्रूफ आईलाइनर नहीं है। सो आप देख सकते हैं इसका वाटरप्रूफ आईलाइनर को मिटाने में तो इसकी सांसें ही थम जानी है। तो मैं ले लेती हूँ सेकंड शीट और एक शीट ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, पूरी की पूरी गंदी हो चुकी है, और अब मैं लूँगी सेकेंड। सो बाकी का लिपस्टिक भी इसमें आया है। सो मैं कर लेती हूँ इसको अच्छे से क्लीन। एंड ओके, सेकंड शीट इस इफेक्ट कर रही है, इसने लाइनर को रिमूव करा है, बट आई डोंट थिंक सो ये जेल आई लाइनर उस पर इतना वर्क करेगा। हाँ, आप टेम्प्रेरी आप ज़रूरत हो, अर्जेंट हो तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इससे इतनी हाईली सजेस्ट नहीं करूँगी इस शीट को। ओके, अगर आप परचेस करना चाहें या नॉर्मल फेस क्लीन के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सो ये मेरा मेकअप हो चुका है रिमूव और अभी भी अगर मैं मिसलर वाटर यूज़ करूँगी तो कोई ना कोई पार्टिकल निकलेंगे, तो मैं ऐसे इससे और सच उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ फॉर मेकअप रिमूविंग। और ठीक है, इसमें SPF 20 है तो ये सन प्रोटेक्ट करेगा, आप इसे फेस क्लीन कर सकते हैं अगर कहीं जाते हैं लॉन्ग टाइम शॉपिंग के लिए, अगर कहीं जाते हैं लाइक शादियां होती हैं उसकी सीजन में, शॉपिंग में एक एक दो चार चार तीन तीन घंटे लग जाते हैं,
तो उस बीच आप अपना फेस इससे क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज माई ओवरऑल रिव्यू एंड डेमो अबाउट दिस शीट, एंड मैं इसे हाईली सजेस्ट नहीं करूंगी, फिर भी आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बड़ी पैकेजिंग भी आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज माई रिव्यू एंड आई होप आपको ये वीडियो एंड डेमो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो एंड डेमो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।